पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भावना जन की हृदय में रच गई याचना के शब्द बंधित हो गए, जब अयोध्या से चले श्री राम जी नैन सारे अश्रु पूरित हो गए। युवा कवि मयंक शर्मा ने रामोत्सव कवि सम्मेलन के मंच से जब ये पंक्तियां पढ़ी तो लोग भाव विभोर हो गए। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में भव्य आयोजन रामगंगा बिहार स्थित MIT में हुआ। इसमें देश के विभिन्न शहरों से आए कवियों ने काव्य पाठ किया। पूरे भारत वर्ष में प्रभु श्री राम का माहौल, राम में पूरा वातावरण बना हुआ है और रामलला जी हमारे अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं, तो रामलला जी के विराजमान होने की खुशी में ये उत्सव के रूप में हमने यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया है। इसमें रामलीला समिति जो हमारी यहाँ पर रामलीला का प्रोग्राम कराती है, उस रामलीला समिति के तत्वाधान में जो हमारे राहुल शर्मा जी हैं अहमदाबाद महानगर के कवि और जो कि विश्वविख्यात हैं, उनके द्वारा ये सारे कवियों को यहाँ बुलाया गया है। बहुत बड़ा आयोजन है ये, इसमें कानपुर से, इलाहाबाद से, बिजनौर से, सब तरफ से कवि और कवयित्री आई हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि प्रभु श्री राम की जो महिमा का गुणगान करने के लिए यहाँ पर सब लोग आए हैं, उसके लिए मैं उनका साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम पहली बार मुरादाबाद महानगर में आयोजित हो रहा है। आज तक प्रभु श्री राम के लिए कोई कवि सम्मेलन का आयोजन नहीं हुआ, ये पहली बार प्रभु श्री राम की के लिए कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ है। राम जी की कृपा और राम जी का गुणगान करने के लिए सारे लोग यहाँ एकत्रित हैं और ये सब प्रभु श्री राम की सेवा में राम भक्त बैठे हुए हैं। राम जी का कवि सम्मेलन चल रहा है और मैं समझता हूँ कि आज जो मुरादाबाद महानगर में ये प्रयास किया गया है, इसके लिए रामलीला समिति और राहुल शर्मा बधाई के पात्र हैं। क्या सिर्फ आज प्रभु श्री राम के अलावा और कुछ और का गुणगान होगा या? नहीं, आज सिर्फ प्रभु श्री राम की कविताएँ, जितने भी कवि आए हैं वो सब नई नई कविताएँ रच के लाए हैं और सब प्रभु राम के ऊपर नई कविताओं का यहाँ पर वातावरण बन रहा है, नई कविताएं सुनाई जाएंगी और सारा का सारा कार्यक्रम प्रभु श्री राम के ऊपर ही है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।